तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पूड़ी का आटा भी तैयार कर लिया मैंने और लोई भी बना लिया। और ये मेरी कढ़ाई में देखिए तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए मेरी बेबी ने डाला है ये छोटा सा। और ये मेरी पूड़ी मैं दिखाती हूँ, देखिए मैंने अभी थोड़ा बेल कर रखा है। तो चलिए इसे तल लेते हैं। पूड़ी तलने का बहुत अच्छा तरीका दोस्तों, आप डालिए और बीच में हल्का सा प्रेस कीजिए अपना जो आपका कलसुल है, झंझरा बोलते हैं हम लोग के साइड में। देखिए देखिए मेरी पूड़ी फूली फूली निकली है। इसी तरह बाकी पूड़ी भी हम तल लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब तलने के बाद मैं आपको पूजा का दिखाती हूँ और प्लेट का भी दिखाती हूँ, मैं कैसे कन्या पूजन करती हूँ। तो इसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ी फूली फूली रेडी हो गई है। और इधर देखिए मेरी बेबी बेल रही है, ये देखिए सीख रही है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। तो दोस्तों देखिए, मेरी कन्या पूजन की विधि शुरू हो गई है। यदि आपके पास कन्या ना हो, किसी भी वजह से कन्या मौजूद ना हो, तो आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप कभी भी आपको ऐसा समय आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास हमेशा कन्या मौजूद रहते थे दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूँगी। और इस बार मेरा क्या हुआ कि प्लेस चेंज हुआ, तो बच्चे लोग कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैंने प्रेस भी नहीं दिया और सभी बच्चे स्कूल को गए हुए थे। तो मैं इस बार कन्या पूजन की विधि दूसरे तरीके से कर रही हूँ और आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी है। तो देखिए मेरी 11 प्लेट मैंने लगाए हैं फ्रेंड्स, आप 5, 7, 9, 11 जैसे आप चाहें लगा सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम टीका लगाएंगे, फिर अक्षत डालेंगे और उसके बाद फूल और नैवेद्य और प्रसाद। नैवेद्य बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तो आप पूरे भाव पूरे मन से पूरे श्रद्धा से माता रानी के आगे इस तरह से पूजन कीजिए। और फिर सारे प्रसाद, उसमें से थोड़े प्रसाद खुद के लिए रखिए और सारे प्रसाद फिर आप गौ माता को दे सकते हैं। गौ माता में सभी देव देवता का वास होता है दोस्तों, तो गौ माता सबसे पूजनीय मानी जाती हैं, इसलिए आप गौ माता को दे सकते हैं। देखिए मेरी पूजा हो गई है, अब मैं आरती कर रही हूँ और मेरी माता रानी भी आपको दिख रही होंगी और मेरा कलश भी आपको दिख रहा होगा। ताज नवमी की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, एक बार फिर से मेरी तरफ से। और अब मैं जल उतार रही हूँ, इसके बाद हम गौ माता को ये सारे प्रसाद उतारेंगे, गोड़ लगेंगे पहले, फिर उतारेंगे और फिर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका भी आप कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय मैंने ऐसे भी किया था, मेरी मम्मा ने बताया कि इस तरह से कर सकते, क्योंकि उस टाइम भी किसी को आना जाना नहीं था, सभी लोग घर में बंद थे। तो दोस्तों इस तरह से हम दूसरे तरीके से पूजा कर सकते हैं। और अब देखिए मेरी प्लेट पूजा की, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। पहले हम टीका किए, फिर अक्षत किए, फिर नैवेद्य चढ़ाए और फिर प्रसाद चढ़ाए। और प्रसाद मैंने इस बार अलग तरीके से बनाया था फ्रेंड्स, वो भी मैं शेयर की हूँ। मैं रेसिपी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सिलाई वगैरह से, लेकिन अभी पर्व आ रहा था और मेरी ये नवरात्रि की पार्टी भी चल रही थी, तो मुझे बहुत मन था कि मैं शेयर करूं। और पूरे नियम के साथ मैं रखती हूं, उसे सभी लोग रखते हैं, लेकिन मेरा मन था कि मैं इस बार इसकी अच्छे से शेयर करूं, मैंने किया। देखिए मेरी पूजा हो गई। तो दोस्तों हमने कन्या पूजन इस तरह से कन्या पूजन किया है। अभी हम जाएंगे गौ माता को, ये कन्या पूजन में जो भी हमने डाला है गौ माता को देंगे। और मेरा इस बार का कन्या पूजन मैंने इस तरीके से किया दोस्तों, लेकिन हमेशा कन्या पूजन कन्या को बुलाकर मैं करती हूँ, उसका मैं क्लिप इसमें ऐड करूँगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी बाकी है, मैं वो ऐड करने वाली हूँ, मैं जैसे करती हूँ बाकी बच्चों को बुलाकर। लेकिन इस बार मेरा थोड़ा सा जगह चेंज हुआ था, इसलिए यहाँ पे बच्चे तो हैं पर पहचान उतनी थी नहीं, इसके वजह से थोड़ी सी बच्चे कम्फर्टेबल नहीं थे आने को, तो मैं इस तरह से की हूँ। और गौ माता में सभी देवी देवता का वास होता है, तो गौ माता से आप अपनी पूजा की पूर्णावती कर सकते हैं। तो मिलते हैं।
फ्रेंड्स देखिए मेरे यहाँ कन्या पूजन मैं लास्ट ईयर का डाल रही हूँ ये क्लिप एक छोटा सा। देखिए कितने सारे बच्चे मेरे यहाँ आए हैं। मैं हर बार इसी तरह करती थी कन्या पूजन विधि, लेकिन इस बार मेरी थोड़ी सी अलग हुई है। तो आप इमरजेंसी में कभी भी ऐसा काम आए या समय आए तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। इस बार मैंने जैसे किया है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।